देखिए, मैं जब 16 साल की उम्र का था तब से मैं राजनीति में मैंने मेरा पदार्पण किया था, तब से मैं विद्यार्थियों के लिए, युवाओं के लिए मैं राजनीति में अपना काम कर रहा था। आज 13 साल युवा सेना का सचिव इस तौर पर मैं काम कर रहा था और राज्य के लोकप्रिय मुख्यमंत्री शिंदे साहब ने जो मुझ पर विश्वास दिया, आज युवा सेना का मुझे कार्याध्यक्ष बनाए, ये मेरे पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। मैं जैसा कहता हूँ कि ये जिम्मेदारी अब सिर्फ पूर्वेश सरना की नहीं है तो पूरे थाने और मीरा भाईंदर शहर की भी होगी, और मुझे विश्वास है कि साहब के आशीर्वाद से, साहब के नेतृत्व में मैं आने वाले समय में महाराष्ट्र के तमाम युवाओं तक उनकी जो मांग है, उनकी जो इच्छा है, वो सब पूरा करने के लिए मैं मेरा प्रयत्न करता हूँ। 13 साल से युवाओं के लिए ही पूर्वेश सरना काम करते आया है, सभी युवा वर्ग को लेके ही पूर्वेश सरनाइक आज दिन तक यहाँ पर पहुँचा है, और आने वाले समय में इस बड़े जिम्मेदारी के बाद पूर्वेश सरनाइक का सबसे पहला अगर कोई मुद्दा होगा तो युवाओं को रोजगार मिलने के लिए पूर्वेश सरनाइक पूरा तरीके से प्रयत्न करेगा। और आपको पता होगा कि आने वाले ही हफ्ते में, मैंने आज दोपहर में ही हमारे बाला साहब भवन में ये चीज़ डिक्लेयर की कि हमारे जो युवक कल्याण मंत्री जी है उनसे मेरी ऑलरेडी बात हो गई, और उनको मैंने कहा है कि महाराष्ट्र शासन के माध्यम से जितने भी युवाओं के लिए जो योजना है वो सभी योजना अभी तक क्या होता था, सिर्फ पेपर में लिखे हुए रहते थे और किसी भी राजनीतिक पार्टी ने उसके पीछे फॉलोअप किया नहीं है। मैं आने वाले समय में आदरणीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब, हमारे उप मुख्यमंत्री देवेंद्र जी फडणवीस साहब और हमारे अजीत दादा पवार, इनके नेतृत्व में ये सभी महाराष्ट्र के युवाओं को न्याय देने का पूरा तरीके से मैं काम करूँगा। मैं शिंदे साहब ने बहुत उम्मीद उसके साथ पास रखी है क्योंकि बहुत बड़ी जिम्मेदारी उसके पास दी है। देखिए, हर पार्टी के युवा सेना के प्रमुख हैं, अभी शिवसेना जो उद्धव ठाकरे गुट का है उनका एक युवा सेना प्रमुख है, हमारे शिंदे साहब के नेतृत्व में चलने वाली शिवसेना का एक युवा सेना प्रमुख है, तो हर पार्टी के युवाओं की धुरा किसी बड़े अच्छे हाथ में देने की जो परंपरा अभी तक थी वो परंपरा आदरणीय शिंदे साहब ने पूरी कर दी। अभी उसकी जिम्मेदारी बढ़ी है, उसको पूरे महाराष्ट्र में संगठन बढ़ाए, युवाओं को साथ में लेके जाना है और आगे शिंदे साहब का हाथ मजबूत करना है।